प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस हिस्ट्री के क्लास में हम करने वाले हैं वैरायटी ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। इसके वैरायटीज़ जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखे थे कि टोटल 14 वैरायटीज़ हैं, इन वैरायटीज़ को हम एक एक करके कवर करेंगे। आज के क्लास में टोटल 5 वैरायटीज़ कवर किए जाएंगे। इन 5 वैरायटीज़ को कवर करने के साथ साथ इनके अंदर में अगर आपको देखा जाए तो हर एक वैरायटी के अंदर में आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। पहला इनका पर्पज़, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस। अलग अलग स्लाइड्स में पर्पज़ और स्लाइड्स को दिखाया जाएगा, जिसमें पर्पस और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस को दिखाया जाएगा। इस तरह से टोटल 5 टॉपिक्स के लिए 10 स्लाइड्स होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड के साथ। स्क्रीन पे देख सकते हैं वैरायटी इन द स्टडीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ये है आज का डिस्कशन जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला, न्यू सोशल हिस्ट्री। ए नंबर पॉइंट दिया गया है, टोटल 14 है। पहला है न्यू सोशल हिस्ट्री। इसके पर्पस के बारे में स्क्रीन पे दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं पर्पस। तो हम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि न्यू सोशल हिस्ट्री का मतलब क्या है। तो न्यू सोशल हिस्ट्री का मतलब क्या है, इसे आप इस पर्पस के अंदर ही समझ सकते हैं। टू ब्रिंग द प्लाइट ऑफ दीज अनरिकॉग्नाइज्ड मासेस टू द लाइमलाइट। सोसाइटी का यूनिट उसके कॉमन पीपल होते हैं और वो हमेशा छुपे रह जाते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कभी उनका नाम नहीं आता, उनका रोल नहीं दिखता, बट हिस्ट्री के मेन यूनिट वही है। उन्हीं से पूरा समाज बना हुआ है, सोसाइटी बनी हुई है जिसके अंदर सब कुछ हो रहा है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे लाइमलाइट में लाना ये न्यू सोशल हिस्ट्री का सबसे प्राइम एम है, ये पर्पस है। इट एम्स टू गिविंग ड्यू इम्पॉर्टेंस टू द डिग्निटी एग्जिस्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉमन मैन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, जिससे पूरी हिस्ट्री बन रही है। तो आई होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम ये जो वैराइटीज़ जानने वाले हैं, इसमें जो पहली वैरायटी हमारी है जिसको हम लोगों ने कहा कि न्यू सोशल हिस्ट्री, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं इसका दूसरा पर्पस। द हिस्ट्री ऑफ कॉमन मैन इज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर पता चल रहा है कि अगर सोशल हिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं तो आप पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ कॉमन मैन। हेंस द स्टडी ऑफ हिस्ट्री शुड नॉट बी कंटेंड विद इन हिस्ट्री अलोन। जब आप एक कॉमन मैन की हिस्ट्री पढ़ोगे तो को आप जानेंगे तो इसमें आपको सिर्फ हिस्ट्री का फ्लेवर नहीं मिलेगा, सिर्फ हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चलेगा, बल्कि साथ साथ आप देख सकते हैं कैन बी ओपन थ्रू जियोग्राफी, द सोशियोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज एक्सेट्रा। तो एक कॉमन मैन के साथ जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब के बारे में हमें पता चलेगा, यानी कि हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू बी नो मोर ओनली हिस्ट्री, आपको हर चीज़ के बारे में आइडिया मिलेगा। एक लास्ट पॉइंट, एक पर्पज डिस्कस करता हूँ। इवन रविंद्रनाथ वॉज अवेयर ऑफ सच स्टडीज ऑफ हिस्ट्री, ही फेल्ड दैट द कंबाइंड फोर्स ऑफ द नेमलेस एंड फेसलेस पीपल इन द हिस्ट्री हैज़ इमेंस सोशल पावर। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, एग्जाम में आप लोग ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आपकी बुक में इससे ज़्यादा है आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा न्यू सोशल हिस्ट्री का मेन पर्पस, इसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। पर्पस समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, जहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। उसके बाद हमारा ये सोशल हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट होगा। चलिए डिस्कस करते हैं सोशल हिस्ट्री, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। पर्पस तो आपने समझा कि इसमें हम लोग जो कॉमन पीपल है उसकी हिस्ट्री को सामने लेके आएंगे और उनके बारे में जानेंगे, लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या वैल्यू निकल के आती है, क्या वैल्यू ऐड करता है यह हिस्ट्री में, चलिए जानते हैं। फर्स्टली, इफ नेसेसरी इंपॉर्टेंस इज एट्रीब्यूटेड टू ओल्ड सोशल हिस्ट्री। अब यहां पर एक्चुअली हम लोग ये जो न्यू सोशल हिस्ट्री है इससे पहले सारी चीजों के बारे में समझते हैं। ये जो ओल्ड सोशल हिस्ट्री है वो 1850 से लेकर 1900 तक है। उसके बाद 1901 से लेकर 1947 तक के टाइम को हम लोग सोशल हिस्ट्री में काउंट करते हैं, और 1960 से जो हमारा डेकेड स्टार्ट होता है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं न्यू मॉडर्न सोशल हिस्ट्री के बारे में। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फर्नेट ब्रिडल वॉज द पायनियर ऑफ दिस स्टडी। मतलब ये जो हमारी न्यू सोशल हिस्ट्री के बारे में हम जान रहे हैं उसका पायनियर को किसे कहा जाता है, फर्नेट ब्रिडल को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। ही लेट गो द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज एंड फाउंडेड द एनालिस स्कूल इन फ्रांस फॉर अ प्रॉपर स्टडी इन द सोशल हिस्ट्री ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोसाइटी इट्सेल्फ। तो सोसाइटी की स्टडी करने के लिए सोसाइटी से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उन्होंने एनल्स स्कूल्स बनाया फ्रांस में, जिसके बाद ये जो हिस्ट्री है, ये इस तरह की जो हिस्ट्री है इसका चलन होना स्टार्ट हुआ, जिसके बाद हम लोगों ने इसे डिस्कस करना स्टार्ट किया। सेकेंडली, हिस्टोरियन हार्लर्ड पार्किन ऑफ लैंकाशायर यूनिवर्सिटी वॉज अपॉइंटेड एज द प्रोफेसर ऑफ न्यू सोशल हिस्ट्री इन 1969 आफ्टर 10 ईयर्स। That is why 1917's decade is called golden age of the new social history. तो याद रखना है किस एज को गोल्डन एज कहा गया है, 1970s को।
यहाँ पर 1960s का वो ईयर था जहाँ से ये जो हमारी हिस्ट्री है, न्यू मॉडर्न हिस्ट्री है, ये स्टार्ट होती है। इसके साथ हम लोगों ने अपना फर्स्ट डिस्कशन कंप्लीट किया। हम लोगों ने न्यू सोशल हिस्ट्री का पर्पस और उसका इंपॉर्टेंस जाना। आई होप कि जो चीज़ें समझाई गई हैं उसके बेसिस पर आप प्रॉपर अपना नोट बना पाएंगे और अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जरूर लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट की तरफ। 14 में से हम लोग इसे सेकेंड में कैटेगराइज कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट सेकेंड कुछ भी है, ये इंडिपेंडेंट है, आप किसी को किसी के बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है। हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले पर्पस को पढ़ते हैं एक एक करके। इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स द ओलंपिक गेम स्टार्टेड फर्स्ट इन 776 BC इन एंशियंट ग्रीस इज मेंशन वो दे। तो आप लोगों ने क्या देखा, सोचिए आप लोगों ने कभी ये बात सोचा भी है कि ये जो हमारा ओलंपिक का गेम चल रहा है ये कब स्टार्ट हुआ है? 776 बीसी में, अभी हम एडी में। तो सोच सकते हैं ये कितना पुराना गेम चलता हुआ आ रहा है। बीच में कुछ सालों के लिए बंद भी था, कुछ टाइम के लिए ये बंद था, इसके बारे में फिलहाल हम लोग बाद में जानेंगे। इन वेरियस गेम्स लाइक नाउ वेरियस गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, हॉकी, पोलो एक्सेट्रा आर द पार्ट ऑफ आवर टूडेज कल्चर। इट इज़ एसेंशियल टू नो द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज गेम्स ऑन आवर लाइफ। ओके, चलिए अब हम लोग इंडिया के बारे में कुछ स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। द गेम ऑफ क्रिकेट स्टार्टेड इन इंग्लैंड। द क्रिकेट क्लब्स वेयर कैलकटा क्रिकेट क्लब 1792 एंड ओरिएंटल क्रिकेट क्लब ऑफ द पर्सियंस 1848 इन बॉम्बे दैट हैड विजिटेड इंग्लैंड फर्स्ट इन 1886। तो ये दो जो क्लब्स की बात की गई है, ये दोनों में क्लब्स के बारे में बताया गया है कि ये क्लब्स पहली बार विजिट किए थे इंग्लैंड जहां इस गेम का शुरुआत हुआ था। इस गेम को स्टार्टिंग में 22 यार्ड्स का गेम भी कहा जाता था क्योंकि दो विकेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 22 यार्ड्स का होता है, इसलिए इस नाम से भी कहा जाता था। द गेम ऑफ क्रिकेट वॉज फर्स्ट प्लेड एट डार्टफोर्ड इन सुरे इन 1709। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, रख सकते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए, इंपॉर्टेंट है। However, rules of the game were laid down in 1744. तो इसके रूल्स बनाए गए। From 1814, the Lord's ground in England became the Mecca of international cricket. तो Mecca of international cricket कौन सा बना है? 1814 में बनाया गया है, जो है Lord's ground in England. याद रखिएगा, बहुत important information है। आज के time पे बहुत popular नाम आप लोगों ने सुना होगा, ICC, जो है International Cricket Council। अब ये पहले जब इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में, इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, तभी ये ICC ही था, बट काउंसिल में इसे कन्वर्ट किया गया 1965 में, ये था इंडियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो हम लोगों ने इसके पर्पस को जाना, चलिए अब हम इसके इम्पॉर्टेंस को देखते हैं, जानते हैं इसके इम्पॉर्टेंस क्या। तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। अब यहाँ पर इसके इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिले हैं, बहुत सारे बुक का नाम दिया गया है, एक एक करके बताता हूँ। द स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स हिस्ट्री स्टार्टेड इन यूरोप इन 1970s। द ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स हिस्ट्री, एक बुक का नाम है, वॉज फाउंडेड इन 1982। वी नो द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स फ्रॉम द बुक्स। तो कौन कौन से बुक्स है जिससे हम लोग हिस्ट्री ऑफ बुक्स स्पोर्ट्स की हिस्ट्री मिलती है? कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड ऑफ रामचंद्र गुहा, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट बाय मिहिर बोस। देखिए हर एक बुक के साथ उनका राइटर का नाम बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि रामचंद्र गुहा का कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में है, तो आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के स्टडी में रामचंद्र गुहा का कंट्रीब्यूशन है बाय दिस बुक कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड्स। इस तरह से अ सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट बाय कौशिक बंदोपाध्याय, द इलस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड 22 यार्ड्स ऑफ द टू फ्रीडम ऑफ बोरिया मजुमदार, द गेम्स ऑफ एथिक एंड इंपेरियलिज्म ऑफ J.A. मैंगन एक्सेट्रा। तो ये कुछ बुक्स का नाम मैंने बताया जो हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। वैरायटी इन द स्टडीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में अब हम डिस्कस करते हैं द हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स एंड कुजिन। अब इसमें हम लोग इसके भी पर्पस और इसके इंपॉर्टेंस को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसके पर्पस को समझना। पर्पस में जो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा इंडियन समय के बारे में। ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ इंडियन समय, जिसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कि किस तरह का ये होता है, जिसे बनाने के लिए जनरली इंडियन जो हमारे फ्लावर है उसके साथ हम लोग नूडल, जो नूडल्स के शेप में होते हैं उसके साथ हम लोग एग्स मिक्स करते हैं। तो ये है इंडियन समय। इन सिसिली द अरब ट्रेडर्स एट पास्ता। पास्ता के बारे में आप लोगों ने सुना है, पास्ता इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फ्लावर एंड एग्स एंड इज ऑल्सो नोन एज मैकरोनी। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। दिस पर्टिकुलर फूड इज स्टिल पॉपुलर इन इटली।
similar foods is also consumed in India and Japan, and you know that we most of us loves pasta. Okay, let's move. The comprehensive study of food history have been found from the researched books like Food, Drink and Identity in Europe by Thomas Wilson. एक और बुक का नाम बोला गया है इंडियन फूड हिस्टोरिकल कैंपेनियन ऑफ ओके बाय केटी आचार्य, फूड एंड कल्चर स्टडी बाय बेंटलर एक्सेट्रा. तो काफी टेस्टी सा इंफॉर्मेशन था यहां पर. आगे बढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंस को जानते हैं. काफ़ी जल्दी मैंने उसे समझा दिया, मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया, बट आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. ज़्यादा एक्सप्लेन करना उसे पॉसिबल नहीं था क्योंकि काफ़ी टेस्टी सा साउंड कर रहा था उसका इन्फॉर्मेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं. फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स वी कम टू नो दैट देर वॉज अ टाइम वेन द पुअर पीपल ऑफ आयरलैंड सर्वाइव्ड ऑन पोटैटोज. समझ सकते हैं कि एक ऐसा वक्त आया था आयरलैंड में, अगर हम उसके हिस्ट्री को, फूड हैबिट्स के हिस्ट्री को जानेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर जो गरीब लोग थे दे वेयर जस्ट कंज्यूमिंग ओनली पोटैटोज, दे हैव नथिंग टू कंज्यूम, मींस दे वर नॉट इन अ सिचुएशन टू अफोर्ड समथिंग टू बाय, सो दे वेयर जस्ट कंज्यूमिंग पोटैटोज ओनली टू सर्वाइव. अंडरस्टैंड? तो ये हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है, फूड हैबिट्स की हिस्ट्री में हम लोगों को पता चला. इन द प्रेजेंट टाइम्स व्हेन रेस्टोरेंट्स कल्चर हैज बिकम वेरी पॉपुलर, वैरायटी एंड लग्जरी इन फूड इज अ पार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल. तो आप समझ ही सकते हैं आज के टाइम पे, अब जब हमारे पास रेस्टोरेंट्स की सुविधाएं आई हैं, हम लोग लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं और हमारे लाइफस्टाइल शो करता है हम किस तरह के रेस्टोरेंट्स को यूज़ करते हैं. रिसेंटली द बुक कल्नरी कल्चर इन कॉलोनियल इंडिया अ कॉम्पोजिशन पैटर्न एंड द मिडिल क्लास रिटन बाई उत्सा रॉय हेल्प्स टू नो द चेंजिंग फूड हैबिट्स ऑफ द मिडिल क्लास बंगालीज. तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये चेंजेस आ रहे हैं हमारे समाज में, और जब हम इसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तभी हम लोगों को पता चलता है कि किस तरह की ये चीज़ें थी और किस तरह से धीरे धीरे डेवलप हो रही है. अगर मैं इसके साथ थोड़ा ऐड कर दूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, तो आपको पता है कि जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाल्स में मछली खाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इसी तरह से यहाँ चावल का कंजम्पशन, राइस का कंजम्पशन जो है वो थोड़ा हाई है बाकी स्टेट्स के मुकाबले. तो इस तरह से हम लोगों को इस जगह की हिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, फूड हैबिट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है. वैरायटी इन स्टडीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में अब हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें म्यूजिक, डांस, ड्रामा, सिनेमा के बारे में पढ़ेंगे. इन सब में अलग अलग पर्पस और इंपॉर्टेंस नहीं बताया जाएगा, एक साथ ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उनको प्लीज नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम्स के लिए. तो पहला स्टार्ट करते हैं म्यूजिक के बारे में. तो सबसे पहले म्यूजिक के बारे में डिस्कस करते हैं. म्यूजिक द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट इज इट्स varied nature. Music, dance, drama and cinema are all parts of this branch of history. Means इस branch में अगर आप music के बारे में बात करें तो सब कुछ इसका एक part है. These should not be treated as mere entertainment, but they are the carriers of culture heritage of a society. बहुत underestimate किया जा सकता है music को, लेकिन simple बता रहे हैं एक पूरे society की निचोड़ कहीं ना कहीं उसके music पे दिखती है. सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है उसका म्यूजिक. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको उसके म्यूजिक को वैल्यू देना. इफ वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक वी कम टू नो दैट द सामवेदास, वेद की बात की जा रही है, आर द सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक. द पार्ट ऑफ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट एंड एसोसिएटेड सॉन्ग्स हैव डिस्टिंक्टिव स्टाइल विच वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. हर जगह डिस्टिंक्टिव अलग अलग डांस फॉर्म्स है और म्यूजिक के भी फॉर्म्स है, जिनके बारे में हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस इसके करते हैं, जिसमें हम लोग ड्रामा के बारे, डांस के बारे में डिस्कस करेंगे. डांसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. डांस फॉर्म्स ऑल्सो हैव देयर ओन कैरेक्टर्स एंड वैरायटी. छाओ नाम आपने सुना है, ये डांस पुरुलिया का है, बहुत पॉपुलर डांस है. और पुरुलिया का डांस क्या है, लोकल डांस वहाँ का है छाव, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं हर स्टेट के साथ या किसी किसी एक पर्टिकुलर जगह के साथ वहाँ पर बताया गया, जैसे कि पुरुलिया कोई स्टेट नहीं है, पर्टिकुलर जगह है, तो उसके बारे में बताया गया. इस तरह से उनके पर्टिकुलर डांस के बारे में फॉर्म के नाम बताया गया है, उनको जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे कर्नाटक पूरे स्टेट की बात कही है, मोहिनीअट्टम. भरतनाट्यम को आप लोगों ने सुना है, तमिलनाडु से है. ओडिसी ये उड़ीसा का है. साउथ इंडियन एंड कथकली आपने नाम सुना है, ये केरला का है. तो इस तरह से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, और इस तरह के इन्फॉर्मेशन का एक टेबल जरूर बनाइए. ये सारे डांस फॉर्म्स को अच्छे से देखिए,
डांस को देखना नहीं, मतलब इसके पिक्चर्स, इसके जो ड्रेसअप होते हैं, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये था हमारे डांस पे, आगे हम बढ़ेंगे डिस्कशन करेंगे ड्रामा पे। अब हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में ड्रामा को जानते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ वैरायटी कैन बी नोटेड इन ड्रामाज ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल रूरल ड्रामा, स्ट्रीट प्लेस, वन एक्ट प्लेस। तो इसमें बहुत तरह के वैरायटीज हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। नियर अबाउट 2000 ईयर्स अगो भरत मुनि रोट द बुक नाट्य शास्त्र। भरत मुनि हैज रिटन दिस बुक नियर अबाउट 2000 ईयर्स अगो, अंडरस्टैंड दैट टाइम। सो नाट्य शास्त्र एंड सेड दैट ड्रामा वॉज पॉपुलर इन इंडिया। तो इससे हम लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। द फर्स्ट थिएटर हॉल ऑफ बंगाल वॉज हिंदू थिएटर एस्टैब्लिश्ड इन 1830 एंड देन नेशनल थिएटर, स्टार थिएटर 1884 एक्सेट्रा। इस तरह से इनके बारे में पढ़िएगा, यहाँ से भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा थिएटर, जैसे हिंदू थिएटर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये बंगाल का फर्स्ट थिएटर हॉल था। तो ये था हमारा ड्रामा के बारे में। चलिए अब हम लोग सिनेमा के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सिनेमा, इस टॉपिक में मैंने सबसे बड़ा नोट लिखा है, चलिए इसे सब एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में चलिए सिनेमास के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर हम कह सकते हैं कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसमें सिनेमा ही है सबसे ज़्यादा पॉपुलर, इसलिए क्योंकि इस फील्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ है, ब्रांचेज हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा इसे पसंद भी करते हैं। वैसे तो बाकी चीज़ को भी हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन शायद सिनेमा की पॉपुलरिटी जितनी है उतनी बाकी चीज़ों की नहीं है। अगर मैं फिल्म्स की बात करूं तो सिनेमा के में तीन तरह के फिल्म्स यहां होते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होते हैं, आर्ट फिल्म्स होते हैं और कॉमर्शियल फिल्म होते हैं। इस पर ही एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड में दिया जाता है। जब आप इस फील्ड की इस इंडस्ट्री की स्टडी करोगे तो उसे कहते हैं फिल्म स्टडीज़। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में जरूर याद रखिएगा। यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जिनके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर माइथोलॉजिकल फिल्म की बात की जाए तो फर्स्ट माइथोलॉजिकल फीचर फिल्म जो था वो था राजा हरिश्चंद्र, इट वॉज रिलीज इन द ईयर 1930 ओके बाई धुंधीराज गोविंद फाल्के, तो याद रखिएगा। बट द फिल्म आलम आरा वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ मोशन पिक्चर रिलीज इन 1931, याद रखिएगा। द फर्स्ट मोशन पिक्चर अ रेसलिंग मैच मेड बाय हरिश्चंद्र वॉज रिलीज इन द ईयर 1896 इन इंडिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे मूवीज, बहुत सारे अवार्ड देखिए, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द आउटस्टैंडिंग वन इन द कॉमर्शियल फील्ड। तो अगर कॉमर्शियल फील्ड के फील्ड में अगर आप बहुत आउटस्टैंडिंग काम करते हैं तो वहाँ पर आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा। अब जैसे आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्री और आर्ट फिल्म्स भी है उनके लिए अलग अलग अवार्ड्स है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और इन सारे इन्फॉर्मेशन से आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। जो चीज़ें बताई जा रही हैं इन सारी चीज़ों का अपना नोट और अपनी स्टडी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ें आप सुन रहे हैं इसे याद रखना भी ज़रूरी है। इस तरह से एक बार सुनने के बाद मे भी आप लोगों को याद ना रहे, इसलिए आप लोग इसे रिवाइज करें, अपना एक नोट बनाएं। और जिस तरह से मैंने इसे कैटेगराइज कर दिया है सबको अलग अलग और काफ़ी छोटे में आपको प्रोवाइड किया है, बिल्कुल इतने ही पार्ट्स को एटलीस्ट स्टडी करें, इतने को बिल्कुल लर्न करके रखें। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा बुक है वहाँ से आप और नोट इसमें ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर कुछ चीज़ें आँख के सामने दिखे और उसे सुनाई भी पड़े, यानी मोर देन वन सेंस ऑर्गन्स उस पर काम करें, तो उससे उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। मैंने यही कोशिश की है यहाँ पर विजुअलाइज करने की चीज़ों को, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ ही साथ आप नोट को देख पा रहे हैं, तो इससे आप लोगों का पढ़ने का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा इंक्रीज होता है, हो सकता है लर्न आप ज़्यादा आसानी से कर। वैरायटी इन द स्टडी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोथिंग्स को, ड्रेस को, हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स एंड ड्रेसेस। तो अगर मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा तो आप आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ड्रेसिंग सेंस है, जो ड्रेसिंग वे ऑफ ड्रेसिंग है, ये हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल के लोग जिस तरह के ड्रेस पहनते हैं, अगर पंजाब की बात करें तो उन लोगों की जो ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर लोगों की सोसाइटी के कल्चर को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, उसकी हिस्ट्री को स्टडी करना चाहते हैं, तो क्लोथ और उसकी हिस्ट्री भी हमें बहुत हेल्प करेगी इस पूरे हिस्ट्री को समझने में। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से पढ़ते हैं। इन यूरोप देयर वर मार्क चेंजेस इन द क्लोथ वर्न बाय पीपल आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। तो क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली कि 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जो क्लास 9 में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें इसके बाद यूरोप में देखा जा सकता है जो कपड़े पहनने का तरीका है उसमें काफ़ी चेंजेस आए थे। वुमेन स्टार्टेड वेयरिंग रेड हैट्स, कैप्रीज एंड लॉन्ग स्कर्ट्स।
While studying the history of clothes and dresses, we can see that in England there was a revolutionary change in the dresses of men and women during the Victorian age, which is 1837 to 1901. Yaad rakhiyega, ye sari information hamare liye bahut important hai. In our country, people shifted from traditional to western attire. आप समझ ही सकते हैं आज के टाइम पे जो इंडिया का जो पुराना, अब अगर आप इसे भी थोड़ा सोचेंगे, अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस जिस तरह के ड्रेसेस को पहनता था, आप अगर उसे और थोड़ा पीछे ले जाके देखेंगे तो उस टाइम के ड्रेसेस के साथ कंपेयर करते हुए आइए, इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं जिससे हम लोगों के उसके हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है और उसकी हिस्ट्री समाज के टोटल हिस्ट्री के बारे में भी हमें बताती है. इन आवर कंट्री पीपल शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जो हमारे इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेसेस था, टू वेस्टर्न ड्रेसेस जो हम लोग अभी पहन रहे हैं. लाइक राइट नाउ आई एम वेयरिंग कंप्लीटली अ वेस्टर्न ड्रेस एंड वेस्टर्न अटायर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्योंकि हम पर ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस हुआ. माइकल मधुसूदन दत्त वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वेयर यूरोपियन क्लोथ्स इन 1843. तो यहाँ पर ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन क्लोथ पहने वाले फर्स्ट इंडियन, इट वॉज माइकल मधुसूदन दत्ता. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ये था हमारा आज का क्लास एंड आज के क्लास में मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया आउट ऑफ दिस 15. अगले क्लास में रिमेनिंग 5 को करने वाले हैं और थर्ड पार्ट में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे. इस चैप्टर का कंप्लीशन के बाद इस पर एक्सरसाइज होने वाला है, प्रीवियस ईयर होने वाला है. आप लोग उसे चाहते हैं या नहीं बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएं. तो चलिए आज का वीडियो इतने दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन डू टेक केयर.